आपने कभी एकलव्य को हंसते हुए देखा? किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देखा है। जब उन्होंने मुझे पिटने से बचाया था। कहाँ पीट रहा था तुम्हें? बाबूजी, तुमने कुछ किया होगा। मैंने नहीं, आपने। मैंने? मैंने क्या किया? याद कीजिए। I can't remember. रानी माँ ने कस के कान मरोड़ा था, चिल्ला रहे थे। राजकुमार का कोई कान मरोड़ता है क्या? जब मैंने सबके सामने तुम्हें किस किया था, एकलव्य ने बचाया था बाबूजी की मार से। मुझे घुमाने ले गए, अमरूद खिलाया, फिर भी मेरा चेहरा उतरा हुआ था। क्यों? मैंने कहा मुझे भी पपी लेनी है राजकुमार की। जब उन्होंने ये सुना तो वो भी ऐसे ही हंसे थे, बिल्कुल आपके जैसे। Oh,
नंदनी सो गई। आप यहां क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहा था। यह आपके चेहरे पर खून किसका है? पता नहीं, प्रणा ज्योति वर्धन और उदय वर्धन किसी का नहीं हो सकता। मैंने उन दोनों की हत्या कर दी। और अब आप मेरी हत्या करने आए? हाँ, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपकी हत्या करूं, बताइए आपने मेरे राणा का खून किया या नहीं? किया है। मैं राणा जयवर्धन का रक्षक और आपका पिता। आपके किए की सजा आपको देने आया हूं। अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। मेरे पिता मेरी जान लेने आए, इससे बेहतर तैयारी और क्या होगी? I'm ready. क्यों किया आपने ऐसा? मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस रियासत के खातिर आप सच में ऐसा सोचते हैं कि मैं इस रियासत के खातिर किसी की जान ले सकता हूं? मारिए, चलाइए चाकू, चलाइए। नहीं चलेगा आपसे चाकू, क्योंकि आप जानते हैं आपका बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। धर्म मतिद्या उत्कृता है। मैंने आपकी जान बचाई। ये देखिए, उसने मां की जान ले ली, गला घोट दिया था उसने मेरी मां का। मां की गलती सिर्फ इतनी थी कि बेहोशी में आपका नाम ले रही थी। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? सिर्फ 2.5 करोड़। मैंने 25 करोड़ उनको देकर आपकी जान बचाई। झूठ, झूठ है ये सच नहीं, ये सच नहीं। मेरे राणा ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मेरे राणा ऐसा नहीं कर सकते। नंदनी क्या जाने, ये उसके पागल मन की उड़ान हो सकती है। वो तो उड़ते हुए घोड़ों की तस्वीरें बनाती है। मेरे मेरे मन को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आप मत भटकने दो अपना मन। एकलव्य, कर दो अपना अंगूठा, निभाओ अपना धर्म। धर्म, धर्म सवालों और जवाबों के परे हैं। धर्म तर्क और वितर्क के परे हैं। अगर आज मैं चूक गया तो मेरी नौ पुश्तें नरक में जाएंगी। मां ने कहा था कि एकलव्य की तरह अपने धर्म का पालन कर। मेरा धर्म है
आपकी मौत। आपके हाथ तो कांप रहे हैं। जब पिता के बूढ़े हाथ कांपने लगे तो जवान बेटे का फर्ज होता है कि वो आकर उनका हाथ बटाए। तुम कहां हो बेटे? पता नहीं मैं कहां हूं, पर जहां भी हूं वहां से जाना चाहता हूं। मेरे हाथों पर खून लगा है, चुके पापा जी का खून। ये खून कभी नहीं धुल पाएगा इन हाथों से, इसे मैं अपनी चिता में जला दूंगा। नंदिनी को समझा दीजिएगा कि मां के लिए थी, मैं उसके पास चलूंगी। मैं मां से कहूंगा मैंने अपना वचन निभाया, मैं रचो के बाबू जी से माफी मांगू, इस बार मैंने अपना अंगूठा नहीं काटा, मैंने उस हाथ को रोक लिया जो मेरे बेटे की जान लेना चाहता था। तुम ठीक कहते थे बेटे, गलत था एकलव्य, गलत था। मुझे हिम्मत दो कि मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकूं, अपनी बुद्धि से फैसला कर सकूं। मेरी मति मुझसे कहती है कि मुझे हर्ष को माफ कर देना चाहिए। उससे गलती हुई है, पर उसके मन में पाप नहीं था, वो अपनी जान देने जा रहा था। बहुत जाने गई है मां, बहुत खून बहा है, किसी न किसी को तो ये खून खराबा रोकना ही पड़ेगा, और अब इसे मैं नहीं रोकूंगी तो और कौन रोकेगा। मुझे आशीर्वाद दो मां कि मैं उनके गम भुला सकूं, उनकी जिंदगी में खुशी। ध्यान रखना बेटा, वो बहुत ही नेक इंसान है, उसने हम लोगों के लिए क्या क्या देखा, पूरा घर दुआएं दे रहा है। उन्होंने हम गांव वालों की जमीनें वापस कर दी। राणा हर्षवर्धन की जय। राणा हर्षवर्धन की। राणा हर्षवर्धन की। राणा हर्षवर्धन की। मैंने आपकी जमीनें अपने स्वार्थ के लिए लौटाई हैं। ऐसा करने के बाद शायद मैं अपने बाबा की नजरों में एक अच्छा बेटा बन पाऊंगा।
आज से मैं आप सबके सामने एकलव्य को अपना पिता मानता हूं। मुझे ले जाने आए, दो लोगों की हत्या की है मैंने, पछतावा तो करनी पड़ेगा मुझे। बेटे बुरी खबर है, मैं तैयार हूं, चलिए। आज मैं उदयवर्धन के कमरे की तलाशी ले रहा था, डीवीडी के बक्से में एक सुसाइड नोट मिला। बबलू देखिए क्या लिखा, मैंने पढ़ा तो मैं अचरज में पड़ गया। उन्हें पता था कि मैं उनके पीछे पड़ा हूं, छोड़ूंगा नहीं। जेल जाने के डर से ट्रेन के सामने कूद गए और सुसाइड कर लिया। बहुत बुरा हुआ ना, मेरे हाथ से निकल गया, वरना छोड़ता नहीं। बोलना नहीं सर, गुड, वेरी गुड है ना बाबा।